हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिक्स सेकंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द फ्लॉकुलेटेड एंड दी नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन एंड ऑल्सो दी डी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। इसका एक डिफरेंस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे फार्मेसी के एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो आज मैं लेकर आया हूँ, दीज आर दी सम डिफरेंटिंग पॉइंट्स ऑफ दी फ्लॉकुलेटेड एंड नॉन फ्लॉकुलेटेड। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे अपडेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट दी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन एंड दी नॉन फ्लॉकुलेटेड और दी डी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। सो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज दैट इन द फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन द पार्टिकल फ्रॉम दी लूज एग्रीगेट। ओके, इट इज द पार्टिकल फ्रॉम दी लूज एग्रीगेट। ओके, यहाँ पे जो एग्रीगेशन है वो कैसा होता है, लूज होता है। एंड नॉन फ्लॉकुलेटेड मैंने कहा एग्जिस्ट एज ए सेपरेट एंटिटी। ओके, यहाँ पे क्या है, एग्जिस्ट एज ए सेपरेट एंटिटी, ये एग्जिस्ट होता है। ओके, डिफरेंस डिफरेंस है, नीचे मैंने दिखाया है आपको, ये समझ में आएगा। ओके, देखिए फ्लॉकुलेटेड क्या है, इट इज़ ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके, और ये क्या है, डिफ्लॉकुलेटेड। ओके, ये सेपरेट एंटिटी है, हर एक क्या है, ये सेपरेट एंटिटी है। ओके, नेक्स्ट, देन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई। सेडिमेंटेशन रेट मीन्स सेटल डाउन होने का जो रेट है पार्टिकल्स का। ओके, पार्टिकल सपोज दैट हमने एक बीकर लिया। ओके, और बीकर में क्या किया कि हमने मिट्टी डाली, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे वाटर लिया। ओके, वाटर लिया और यहाँ पे क्या की, मैंने मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी क्या होगी, नीचे सेटल होगी। सेटल यानी क्या, नीचे आना। ओके, बॉटम पे क्या होना, जमा होना। ओके, उसी को कहते हैं सेडिमेंट होना। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या है इसका, हाई है फ्लॉकुलेटेड का, और इसका क्या है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज ओके लो और स्लो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन देन सेडिमेंट इज फास्टली फॉर्म। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो है यानी सेडिमेंट क्या होता है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई है यानी सेडिमेंट क्या क्या होगा, फास्टली फॉर्म होगा वो नीचे वाला, और ये क्या होगा, सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म। ओके, वही पॉइंट है, सेडिमेंट इज ईजी टू रीडिस्पर्स बाय द शेकिंग। अगर इसको फ्लॉकुलेटेड को शेक किया जाए, इसलिए सस्पेंशन के बाहर जो डायरेक्शन दी होती है, शेक वेल बिफोर यूज। ओके, क्योंकि अगर सेडिमेंट बन गया है तो शेक किया तो बाद में क्या होगा, रीडिस्पर्स होगा, पहले जैसा ही क्या होगा, पार्टिकल सस्पेंड रहेंगे उस व्हीकल के अंदर। लेकिन ये चीज़ सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, ये क्या होता है, डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, फिर पहले जैसा ये नहीं होता, इट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स। ओके, देन सुपरनेट लिक्विड इज क्लियर। ओके, एक है फ्लॉकुलेटेड, ये है फ्लॉकुलेटेड, ये है नॉन फ्लॉकुलेटेड। ओके, ऊपर वाला सेडिमेंट हो गया ये नीचे। ओके, तो ऊपर वाला लिक्विड जो है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला लिक्विड क्लियर रहेगा फ्लॉकुलेटेड में, और सुपरनेट लिक्विड इज नॉट क्लियर इन दी डी फ्लॉकुलेटेड में, क्लियर नहीं रहेगा। ओके, फ्लॉकुल्स स्टिक टू दी साइड ऑफ दी बॉटल। बॉटल के साइड को फ्लॉकुल्स क्या हो गए, स्टिक हो गए। ओके, ये बॉटल है, उसके स्लाइड को क्या हो गया, साइड को फ्लॉकुल्स स्टिक्स हो गए। फ्लॉकुल्स डू नॉट स्टिक टू दी साइड ऑफ दी बॉटल, ये साइड को स्टिक नहीं हो गए। देन नेक्स्ट पॉइंट, द सस्पेंशन इज नॉट प्लिंजिंग इन अपेयरेंस। ओके, अपेयरेंस क्या होगा इसका, नॉट प्लिंजिंग इन अपेयरेंस रहेगा, ये कैसा रहेगा, सस्पेंशन इज प्लिंजिंग इन अपेयरेंस। ओके, इट इज प्लिंजिंग इन अपेयरेंस। देन नेक्स्ट, ओके, प्लिंजिंग को मतलब तो आपको मालूम होगा, अट्रैक्टिव, क्या है मतलब इसका, अट्रैक्टिव। फ्लॉकुलेटेड नॉट प्लिंजिंग मीन्स नॉट अट्रैक्टिव, और ये अट्रैक्टिव रहेगा। डिक्रीज इन दी विस्कोसिटी इन केस ऑफ दी फ्लॉकुलेटेड। ओके, इसकी क्या होगी, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, और इन दिस केस इंक्रीज इन दी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। स्टेबल, फ्लॉकुलेटेड इज दी स्टेबल बिकॉज ये शेक करने के बाद रीडिस्पर्स हो जाता है, एंड दी डीफ्लॉकुलेटेड इज अनस्टेबल, ये क्या है, अनस्टेबल है। ओके, फॉलो ऑन
अस ऑन द टेलीग्राम फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ऑल्सो। देन ये देखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपका और ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। ये एक देखिए फ्लॉकुलेटर सस्पेंशन में देखिए ऊपर का लिक्विड क्लियर है और यहाँ पे देखिए क्लियर नहीं है, यहाँ पे सेपरेट पार्टिकल है और यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स है। ओके फ्लॉकुलेटर में और यहाँ पे डीफ्लॉकुलेटेड। ओके कुछ टाइम होने के बाद सपोज ये 1 महीना ऐसा ही सस्पेंशन रखा, ये 5 महीने रखा, ये 1 साल रखा, तो क्या होगा सेडिमेंट नीचे नीचे आएगा। ओके नीचे नीचे क्या होगा सेडिमेंट आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सेडिमेंटेशन रेट, हमने यहाँ पे क्या बोला था कि सेडिमेंटेशन रेट किस में हाई है, सॉरी सेडिमेंटेशन यहाँ पे पॉइंट था हमारा, सेडिमेंट इज फास्टली फॉर्म्ड, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई। फ्लॉकुलेटेड में क्या है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या है, हाई है। ओके सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब कॉम्पिटेटिव।